हेलो एवरीबॉडी, सो लेट्स गो टू बागा बीच टुडे। सो फाइनली हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं एयरपोर्ट से बागा बीच के तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, बागा बीच और एयरपोर्ट के बीच में ऐसे आपको रास्ते मिलेंगे और फाइनली मैं आपको बागा बीच डायरेक्ट पहुंचाता हूं। सो फाइनली बागा बीच हम लोग पहुँच गए। बागा बीच में ये मॉर्निंग का सीन है, मॉर्निंग में नज़ारा ही अलग होता है, भीड़ कम है और ऐसे भी कोरोना है तो थोड़ा लोग कम है यहाँ पे। देख सकते हो बहुत ही कम लोग हैं, यूजुअली ऐसा सीन यहाँ पे रहता नहीं है। तो ये है वेव्स, देखो यहाँ पे समुद्र के वेव बहुत ही सुंदर आती हैं। बागा बीच का आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है बड़ा सा बोर्ड। तो ये एक अच्छा मेमोरी हो गया, बागा बीच सामने आ गया आपका। तो और मौसम बहुत ज़्यादा धूप नहीं है अभी, मॉर्निंग टाइम है तो, बट काफ़ी ज़्यादा सुहाना मौसम है। मैं थोड़ा खुले चलता हूँ और आगे की तरफ। तो अभी बागा बीच में हम लोग ऐसे ही मॉर्निंग में थोड़ा वॉक का नज़ारा आपको देखेंगे। देखो इसमें बहुत ही बढ़िया वेव मॉर्निंग में आ रही है, काफ़ी लंबी लंबी स्पाइक्स बन रही है। ये आसपास देख सकते हैं होटल्स वगैरह हैं, मॉर्निंग में अभी शायद खुली नहीं है और ऐसे भी टूरिस्ट कम हैं। सो यूजुअली ये आई थिंक आफ्टरनून के आसपास खुल जाता होगा अच्छे से। तो अभी हम लोग क्या करें और आगे जाएंगे। इसी रास्ते में अगर आप आगे जाते हैं, आगे जाओगे तो कॉलन गेट आएगा, कलंगूट आएगा। बहुत लोगों ने, आप अगर आपको पता होगा, आप पढ़ोगे तो कलंगूट बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे पार्टी वार्टी करने के लिए या सेलिब्रेट करने के लिए अगर आना चाहो तो आप आ सकते हैं कलंगूट। बागा और कलंगूट ऐसा समझ सकते हो कि दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे का भाई बहन वाला सीन है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं पूरा का पूरा वॉक करने वाला हूँ, बागा बीच से लेके कलंगूट तक वॉक करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे और कैसा मौसम है, क्या यहाँ पे नहीं कर सकते आप, क्या कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात पे है कि कुछ लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि भैया चल रहे हैं मॉर्निंग में और पानी में जाके थोड़ा नहाएंगे वहाएंगे। वैसे अगर जो बहुत एक्साइटमेंट वाले लोग हैं उनको थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना होगा। रिपल्स बहुत ज़्यादा इसकी हैं, हाई होती हैं यहाँ पे, जो भी वेव है बहुत हाई है तो आपको क्या है समुंदर के अंदर खींच के ले जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे है कि अभी आगे चलोगे यहाँ पे तो ठीक है, थोड़ा रिपल्स कम है और हाइट कम है। ये देखो होटल्स वगैरह आप देख सकते हो, मॉर्निंग में है। आगे और चलेंगे अभी कलंगूट साइड में, कलंगूट में जाएंगे उधर तो कलंगूट में आपको मिलेगा थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करने के लिए मॉर्निंग टाइम में। बट ऐसे नाश्ता घर से ही करके आता है मॉर्निंग में, कौन यहाँ करेगा। तो और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो इतने शांति है अभी मॉर्निंग में और कोरोना दूसरा कारण है तो ज़्यादा टूरिस्ट अभी यहाँ पे है नहीं। आपको वैसे भी पता है जो बाहर वाले फॉरेनर्स हैं उनको तो अभी अलाउड है नहीं, तो उनको अलाउड होने के बाद में इसकी रौनक थोड़ा अलग ही रहती है। तो ये आप देख सकते हैं होटल्स वगैरह है अगर आप यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे और आगे चलेंगे, देखो वेव यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत सारे बीच पे यहाँ पे गोवा में जा चुका हूँ, आप बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, बोगमालो वगैरह ऐसे वीडियोज। बोगमालो है साउथ गोवा में है, हॉलेट है, बायना बीच है, बायना बीच पे है बहुत सारे वो कराते हैं पानी के अंदर, आप लेके जा सकते हो, उधर पी भी बोलते हैं शायद इसको, वहाँ पर आए थे फैसिलिटी। और कुछ लोग हैं जो बलून में बांध के उड़ाते हैं लोग, तो वो भी वहाँ पर फैसिलिटी है बायना में, उसमें भी जा सकते हैं। मैं गया हूँ लेकिन यहाँ की जो वेव है ना, यहाँ की वेव बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, बड़ा अपना स्पाइक बनाती है इसमें। इसलिए अब जैसे जैसे आगे चलेंगे तो देखेंगे इसमें वेव कितनी खतरनाक है। इसलिए ये जो है आप देख सकते हैं रेड झंडा, लाल झंडा लगा रखा है कि आप उससे पीछे ही रहें, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले, सभी को एडवेंचर करना है, सभी को नहाना है। तो ये एक थोड़ा पंगा है यहाँ पे, देखो आप समुंदर में देखो और मजे लो, क्या सही है बैठने के लिए मॉर्निंग में परफेक्ट जगह है ये। और किसी को जॉगिंग करना है तो जॉगिंग कर सकता है, तो पूरा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पर्पज से यहाँ पे आते हो। मैं तो बोलूँगा मॉर्निंग टाइम में कोई आता है आके टहलो थोड़ा यहाँ पे, टहलने पे आपको एक तो हवा अच्छी चलती है और साथ में आपको व्यू भी बहुत मस्त मिलेगा यहाँ पे, और उतनी भीड़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोरोना में भी कोई खास दिक्कत नहीं है, ऐसे यहाँ पे भीड़ होती है इवनिंग टाइम में काफ़ी ज़्यादा होती है, मॉर्निंग में यूजुअली ज़्यादा होती है, अभी कम है। देखो वेव देखो आप सब लोग। फाइनली हम लोग वॉक कर रहे हैं कलंगूट की तरफ, कलंगूट की तरफ वहाँ पे वॉक कर रहे हैं।
कोलंगूट पे जाने के लिए दो दो रास्ते हैं, आपको आगे मैं दिखाऊंगा भी जाने के लिए दो दो रास्ते हैं आपको आगे मैं दिखाऊंगा भी कि एक डायरेक्ट कोलंगूट पे जा सकते हो और दूसरा है कि डायरेक्ट बाघा चले जाओ और बाघा से वॉक करके कोलंगूट तक आओ। अगर मेरे से कोई भी पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि अगर दोनों एक्सप्लोर करना है कि सबसे बढ़िया है गाड़ी लेकर जाइए बाघा, बाघा में गाड़ी लगाओ और फिर वहाँ से क्या करो आप बाघा बीच पे इंटर करो और कोलंगूट आराम से वॉक करते हुए आ जाओ, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको और प्लस वो गाड़ी इधर से उधर बार बार टर्न करने का इधर उधर करने का कोई झोल भी नहीं है, तो ये ज़्यादा बेटर है। वहाँ पे जगह भी है, पार्किंग भी है, बाघा पे पार्किंग भी अवेलेबल है अगर आप अपना गाड़ी लगाना चाहते हैं, कार पार्क करना चाहते हैं। कोलंगूट थोड़ा भीड़ भाड़ वाला है तो अभी और आगे जा रहे हैं, अभी बाघा बीच ही है, थोड़ा हम लोग आगे निकल आए। बाघा बीच और कोलंगूट जो है दोनों के बीच में काफ़ी ऐसा स्पेस है जहाँ पे यूजुअली दुकान आपको नहीं मिलेगी, तो वो भी वॉक करने के लिए अच्छा है। हाँ, किसी को थोड़ा प्राइवेसी चाहिए, आराम से वहाँ बैठ सकते हो। तो अभी देखो अभी जा रहे हैं कोलंगूट की तरफ। ये सारे के सारे होटल हैं, इवनिंग टाइम में इमेजिन करो कैसा रौनक होता होगा, पूरा लाइटिंग है, लोगों ने डीजे भी लगा रखे हैं, नाचो गाओ खाओ पियो ऐश करो। ये देखिए तो इसी में जा रहे हैं अभी, अब बस देखते जाओ और आगे जाओगे तो और अच्छा अच्छा आपको नज़ारा मिलेगा। इसमें पूरा वीडियो को देखोगे तो लास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बता भी दूंगा अच्छे से, और लास्ट में वीडियो है कि यहाँ से बाहर निकल के कहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। मैं यहाँ के जो होटल है यहाँ पे तो गया नहीं बट बाहर वाले में गया था, बाहर वाले में प्राइसेस मेरे को ठीक ठाक लगे, अब यहाँ वाला जाना पड़ेगा तो पता चलेगा। ये देखो बीच में कितना बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है, एकदम माहौल बिल्कुल साथ बहुत मस्त है, बढ़िया है ना। अगर घूमने आ रहे हैं तो मॉर्निंग में थोड़ा सा शांति ले लो और इवनिंग में पार्टी कर लो, दोनों मिल जाएगा आपको। ये देखो ना आ रहे साइड में यहाँ पर लगा हुआ है, ये है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको रहेगा यहाँ पे। ये है यहाँ बहुत ज़्यादा मीन्स वेव बहुत ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे, बाकी बीच पे मैं गया वहाँ पे वेव इतनी पावरफुल नहीं है, तो यहाँ वाली वेव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैं तो यहीं पे रहता हूँ तो आराम से जब मर्जी आ जाता हूँ, लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो मैं तो बोलूँगा जिस चीज़ को आना हो आराम से आया करो, गाड़ी वाले को हायर करो आराम से आओ, आराम से अगर आप आते हो तो रास्ते में भी बहुत सारे लोकेशन है, पंजी में आपको मिल जाएगा पंजी वाला ब्रिज, वहाँ पे फ़ोटो देखते हुए लेने के लिए वहाँ पे घूम सकते, और तो घूमते हुए आराम से आओ दो तीन घंटे में मस्त, फ़ोटो वोटो लेने के लिए व्यूज देखने हैं पंजी में, अभी जो ब्रिज है ओवर ब्रिज बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने उसको सुना भी होगा उसके बारे में। तो ये देखो पीछे में वापस बाघा बैक साइड दिखा रहा हूँ, तो ये देखो पीछे में वापस बाघा बैक साइड दिखा रहा हूँ जिधर से मैं आ रहा था वॉक करके, बाघा बीच का अपने अद्भुत नज़ारा है। ये कोई बिल्डिंग आपको दिख रही है अगर दिख पा रही है तो ये बन रही है अभी, अगर बन जाए तो वहाँ भी क्या पता होते हैं, कल बढ़िया है काफ़ी व्यू वहाँ पे अच्छा आएगा। किसी ने आयरन मैन मूवी देखी होगी तो वो वाला फीलिंग आएगा जहाँ पर आयरन मैन को बेचारा ले आके एक बार आयरन मैन की बिल्डिंग वहीं पर बम से ब्लास्ट कर देता है, मुझे याद नहीं आयरन मैन 2 है और 3 है, अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना, मैं भूल रहा हूँ, अभी रिवाइज करना पड़ेगा मुझे आयरन मैन। तो ये है और आगे चलते हैं, ये बीच वाला सेक्शन है कोलंगूट और बाघा के बीच वाला सेक्शन में हूँ अभी, मैं देख सकते हो उधर कम ही लोग हैं, कोलंगूट पे अभी ज़्यादा लोग मिलेंगे मुझे लगता है, चलते चलते आगे आपको और दिखा दूंगा मैं। तो ये है यहाँ पे मॉर्निंग में यूजुअली लोग घूमने ही आते हैं, ब्रेकफास्ट करने के लिए तो कुछ घर से ही बना के खा के आए होंगे तो उतना ज़्यादा भीड़ है नहीं, अदरवाइज शॉप्स वगैरह खुलते हैं, डीजे वगैरह बजता है यहाँ पे। अभी आगे कोलंगूट पे मिलेगा आपको, कोलंगूट पे उधर कोलंगूट बोलते हैं उसको, कोलंगूट मुझे भी चेक करना पड़ेगा गूगल ट्रांसलेटर में बोलते हैं उसको एग्जैक्टली। ये आप देखिए क्या मस्त सीन है यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया माहौल है एकदम। तो ऐसे ही आगे चलते हैं और कुछ ज़्यादा ही बढ़िया यहाँ पे देखो आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा मतलब ये फील आए कि इंडिया में भी बहुत सारे जगह हैं घूमने के लिए,
सिर्फ मैं गोवा की बात नहीं कर, और भी जगह है, लेकिन गोवा है जहाँ पे मस्त है, चीप एंड बेस्ट है। ये सिर्फ मैं गोवा की बात नहीं कर, और भी जगह है, लेकिन गोवा है जहाँ पे मस्त है, चीप एंड बेस्ट है। यहाँ भी घूमा जा सकता है, तो घूमना चाहिए। बाहर कंट्री में जाने से पहले एक बार इंडिया भी तो एक्सप्लोर कर ही लेना चाहिए। देखो जी, तो मैंने जरा टेंडर से फोटो ले लिया, कोई बात नहीं। ये 360 डिग्री में आप देख सकते हैं, समुंदर, आसमान, बालू, सैंड और कुछ लोग। देखो मस्त सीन है, देखो। हम लोग ऑलमोस्ट अभी कलंगुट पहुंचने ही वाले हैं, वहाँ पहुंचने वाला 4 बजे आएंगे। ये रेड मार्क आप देख रहे हैं, ये जहाँ पे बीच पे जाओगे ना, हर जगह ये देखने को मिलेगा। ये इसलिए लगा रखा है कि आप उससे थोड़ा पीछे ही रहें, बट क्योंकि हम अंदर अपने अंदर आपको खींच सकता है, और खींचने के बाद यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। कुछ स्मार्ट लोग आते हैं, ज़्यादा इतनी हीरोबाजी करते हैं, नहीं करना चाहिए पर्सनली आई थिंक, क्योंकि अगर जान है तो बहुत सारे बीच देख सकते हो, जान गया तो बीच में ही गए आप, इसीलिए थोड़ा सा हमें सेफ्टी भी ज़रूरी है। और ऐसे यहाँ पे गार्ड्स आकर मिलेंगे आपको, लेकिन उनके भी लाइफ खतरे में क्यों डालना, खुद का ही क्यों डालना, एंजॉय करने आए हो मस्त एंजॉय करो। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको कभी आते हो तो वेव से बच के रहना, ज़्यादा अंदर नहीं जाते बेटर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई वेव है यहाँ पे। और आगे और ज़्यादा ही वेव्स हैं अभी, जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा कलंगुट की तरफ, तो उधर के तो और ज़्यादा हाई इसके वेव्स हैं। अभी आप देख सकते हैं इसको कितना ज़्यादा हाई, ऐसा लग रहा है कि अभी कहाँ हो गया, ये कहाँ हो गया। वेव को देखो, देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया, क्या मस्त सीन है, आप देख सकते हो। मैं इसको बहुत ज़्यादा जूम नहीं करके लिया हूँ, ऐसा है ही, ऐसा दिखता है ये, तो ये है। अब बढ़िया है एकदम, अगर यहाँ पे आते हो, बागा बहुत ज़्यादा फेमस है ऐसे टूरिस्ट स्पॉट के लिए। आपको पता है कोई भी गोवा आता है तो बागा तो ज़रूर ही आता है, बागा और कलंगुट, ये दोनों के दोनों हैं जो लोग आते ही आते हैं। तो आप अगर देखना चाहें थोड़ा बहुत व्यू, बैक साइड में क्या है, बैक साइड में अगर इधर दूसरे साइड जाओगे तो आपको मिलेगा बस वही होटल्स वगैरह हैं, जहाँ पे अगर बियर पीना हो तो बियर पी लो, नाश्ता वास्ता करना हो तो कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ से आगे कलंगुट स्टार्ट हो जाएगा इस लोकेशन के बाद में, ठीक है। फाइनली बागा और कलंगुट वाला, अब हम लोग सीधे कलंगुट पहुँच गए। वो बाउंड्री गवर्नमेंट बाउंड्री नहीं है, मैंने सोचा कि रेफरेंस के लिए ही बोल सकते हैं। ये है मेरे साथी, और आगे आगे जा रहे हैं, देखो जूता हाथ में लेके, बढ़िया है। फाइनली पहुंच गया कलंगुट, आप देखो कलंगुट का फीलिंग अलग आएगा, देख सकते हैं वहाँ पे लगा है आई लव गोवा लिखा हुआ है, तो आगे वाले वीडियो में वो मिलेगा भी आपको। यहाँ का वेव देखो कितना ज़्यादा लंबा और रिपल बना रहा है, लंबा बहुत बड़ा बड़ा है यहाँ पे जो वेव है, एज कम्पेयर टू उधर जो हमने दिखा था इससे ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की भी बन जाता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि वेव से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, पानी में जाओ बस ज़्यादा अंदर ना जाओ। फाइनली ये देखो कलंगुट, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे मास्ट डील वेल, मतलब डील वेल मतलब रोमांटिक फीलिंग आएगी, ऐसा जैसा सजा रखा है इन्होंने। और चीज़ें को यहाँ पे है बिल्कुल, और इवनिंग टाइम में इमेजिन करो वेव्स थोड़ा और आ गया है पानी के तरफ, तो यहाँ पे मस्त आराम से बैठे हो चेयर पे, और जो भी करना है आपका, खाना खा रहे हो या पार्टी कर रहे हो, डीजे भी बजता है, डांस भी कर रहे हो, सेलिब्रेशन भी हो रहा है, और इधर मस्त समुंदर की हवाएँ भी चल रही है, तो फील्स लाइक मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड। ये है कलंगुट अपना, और आगे भी चलेंगे तो और भी आपको वीडियो इसमें मिलेंगे, काफ़ी सही
मीन्स यहाँ पे है, अगर आप घूमने के पर्पज़ से आते हैं तो ये दोनों जगह तो मतलब मिस ही मत करना। ऐसे भी आपको पता है कि मैक्सिमम लोग इसी के लिए आते हैं, आप लोग भी इसी के लिए आना चाहते हैं। इवनिंग टाइम में ये देख सकते हैं, मॉर्निंग टाइम में उतने मज़े आपको ना आए, अलग ही अलग होती है। इवनिंग टाइम की वीडियो अगली बार बनाऊँगा, अभी के लिए तो नहीं बना सकता, उसके लिए इवनिंग में आनी पड़ेगी। तो इवनिंग में आऊँगा, मैं बनाऊँगा, दिखाऊँगा आपको नज़ारे, बढ़िया है। अभी टूरिस्ट इसलिए भी नहीं है कि बारिश यहाँ पे ज़्यादा होती है, अक्टूबर मान सकते हैं, अक्टूबर के बाद टूरिस्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं बढ़िया यहाँ पे। और अगर बैन हट जाता है तो फॉरेन टूरिस्ट भी आएंगे, अभी मैक्सिमम इंडियन से मिलेंगे आपको यहाँ पे। लोग हैं आप, जब भीड़ रहता है तो कुछ लोगों को भीड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो पहुँच गया फाइनली, सभी लोग अपने अपने, कोई घर वालों को दिखा रहा है वीडियो, तो कोई किसी को दिखा रहा है। सोचो कितना बुरा लगता होगा कोई यहाँ पे आके वीडियो दिखा रहा हो, फोन वीडियो पे दिखा रहा हो कि ये समुंदर है, आई लव गोवा, फाइनली ये आ गया। आप देखो कलंगूट पे ये मिलेगा आपको, यहाँ पे मेमोरीज के लिए बहुत सारे फ़ोटो लोग ने लिया होगा। तो ये वाला जो व्यू आप पाओगे तो आराम से देखने को मिलेगा, प्रॉपर फील आ रहा है एकदम, समुंदर के किनारे मूवी का फील आ रहा है। ये हाल है यहाँ पे, ये देखो कितना कहाँ का रिपल्स, देखो आप कितने बड़े रिपल्स बन रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए मैं बोल रहा था जैसे जैसे आगे जाएंगे, और यहाँ पे है ना तो वो मॉनिटर करते रहते हैं, वो उनके पास गाड़ी है, वो मॉनिटर करते रहते हैं कि पानी के अंदर जाए नहीं, आपको डांट भी पड़ेगी अगर आप गए तो, लेकिन बेटर है ना ही जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें, काफ़ी ज़्यादा वेच है। ये देखो ये दूसरा वाला रास्ता है कलंगूट आने के लिए डायरेक्ट, ये मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, लास्ट में वो वीडियो में मैंने डाल रखा है कि अगर आप डायरेक्ट कलंगूट जाना चाहोगे तो ये वाला रास्ता है, जहाँ से आप आपको भी दिखाया था, इसके बारे में लास्ट में वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बाघा से आना चाहते हैं तो बहुत सारा घूमने के लिए भी मिल जाएगा, आई थिंक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होगा शायद, मस्त आराम से आप वॉक कर सकते हैं, मज़े से मजा आएंगे। ये आप कार का देख रहे हैं, गाड़ी का देख रहे हो आप मार्किंग, तो ये वही है, पेट्रोलिंग करते रहते हैं क्योंकि दुनिया में ऐसा कहाँ लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, एडवेंचर करना ज़रूरी है लेकिन सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी लोग जा रहे हैं, ये देख सकते हो सारे के सारे क्या हैं, बैठने के लिए हैं, आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, इवनिंग में जो पीना है पी सकते, खाना है खा सकते, और यहाँ पे मस्त डीजे भी लगा हुआ है, डीजे भी चल रहा है, अभी ये स्टार्ट किया एक जगह, बाकी जगह भी डीजे स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, बढ़िया है, आराम से डांस करने के लिए डीजे तो होना चाहिए। काफ़ी मज़ेदार सीन है, मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आज, और फाइनली 1.5 साल के बाद यहाँ पे पहुँच ही गया। मैं गोवा में हूँ बहुत दिन से, लेकिन अभी पहुँचा जाके यहाँ पे बाघा बीच, कोरोना के चक्कर में जो ना हो, ये है बढ़िया वाला सीन है। ये देखो हमारे कैमरे के सामने एक पोज करने वाला आदमी आ गया, ठीक है वो भी आ जाएगा, फाइनली इनका भी वीडियो आएंगे इसमें। तो ये है देखो, आज आई थिंक स्पोर्ट्स डे भी है, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स वाले भी मिलेंगे यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, अभी तो कितना रोमांटिक माहौल है अगर यहाँ पे बैठो आराम से। तो गोवा के अपने ही मज़े हैं, चीप गोवा चीप एंड बेस्ट भी है अगर आपको घूमना है तो। बहुत लोगों को लगता है यार यहाँ पे क्या है कि बहुत महंगा चीज़ें, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये सस्ती है, पैसा बचाना है तो बाहर से ही खरीद के लेके आओ, आराम से बैठ के यहाँ पे बैठ जाओ, एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ऑर्डर करो, खाते रहो पीते रहो, इसे कोई मना नहीं करेगा, कोई चेक करने वाला है नहीं। तो ये देखो ये देखो कलंगूट में और आगे हम लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे मैं ही वीडियो में चल रहा हूँ, हमारे साथ ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसका, तो मस्त है एकदम। मॉर्निंग में मेरे को वर्थ इट है आना लगा यहाँ पे, ऐसे भी कहीं और जाना ही था, मैंने सोचा चला यहीं पे चल लेते हैं, तो वर्थ इट है जाना यहाँ पे। दोस्त वोस्त हों अगर मान लो तो बढ़िया है, यहाँ पे आओ आराम से 5 घंटे 6 घंटे बैठो, टाइम स्पेंड कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। और सैंड पे चलने का मज़ा ही अलग है, तो ये देख सकते हो आप, लास्ट है ना, फाइनली लास्ट एंड से मैंने ये वीडियो ले रखा है,
यहीं पे कलंगुट, ये तो आपका कलंगुट यहाँ पे ख़त्म होता है, ये आगे वाला मैंने ले रखा है सीन। कलंगुट के और आगे जाओगे तो ये वाला सीन आपको दिखेगा। तो ये फाइनली कलंगुट का ओवरऑल, ये बीच वाला ये रीजन है, कलंगुट और बरबागा के बीच वाला रीजन है। वापस जब मैंने ले लिया दिखाने के लिए, हाँ ये है बाघा में। अगर आप जाओगे तो बाघा में जाओगे तो ये है, वहाँ पर फिशिंग करते हैं लोग, फिशिंग करते हैं वहाँ जो प्रॉपर वहाँ के लोकल लोग हैं वही फिशिंग करते हैं। तो जहाँ पे आप बाइक लगाओगे ना वहाँ से निकलोगे तो ये नज़ारा मिलेगा आपको, ये जहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। किसी को मच्छी खानी हो अगर बना सकता है किचन है तो यहाँ से ले भी सकते हो, एकदम ताज़ी मच्छी मिलेगी, मस्त ले जाओ भूजो खाओ। ट्राई करने के लिए यहाँ भांगड़ा सही है और किंगफिश भी सही है, किंगफिश बहुत महंगा पड़ेगा बस, लेकिन किंगफिश मुझे नहीं लगता यहाँ पर मिलेगा, किस्मत अच्छा रहा तो मिल भी सकता है। छोटी मछली जो भांगड़ा हो गया ठीक ठाक मिल जाएगा, ये देख सकते हो, जब आप ये स्कूटी देख सकते हैं आप, हाँ तो आप ये देखो एंट्री करने के लिए बाघा का, ये देख सकते हो ज़बरदस्त बैकग्राउंड में ये है, ये स्कूटी लगाने के लिए यहीं पे ये लोकेशन है जहाँ पे आप आराम से स्कूटी लगा सकते हैं। हाँ ये अब दूसरे साइड हो गया, मतलब दूसरे साइड निकलोगे आप ना बाघा से बाहर तो ये साइड में देख सकते हो पूरा का पूरा कार पार्किंग है, इसलिए मैंने बोला था कि कार पार्किंग करने के लिए बाघा आ जाओ ज़्यादा बेटर। कलंगुट में थोड़ा बहुत क्या होगा आपका वहाँ पर झोल है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो यहाँ पर आकर आराम से लगाओ और घूमो, जगह का जगह है आपके पास, लोकेशन ज़बरदस्त है। तो ये बाहर का देख सकते हो, यहाँ भी बाहर भी घूमने के लिए है, समुंदर से मन आपका भर गया तो बाहर थोड़ा निकल के घूम कर लो, घूम लो वॉक कर लो, बेस्ट ओवरऑल इट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल आई कैन से, जरूरी घूमो आना है तो इधर। तो ये थोड़ा बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो बीच का अदर साइड है, रोड क्रॉस करोगे तो दूसरे साइड का ये नज़ारा, रोड क्रॉस करोगे तो दूसरे साइड का ये नज़ारा है। और फाइनली अब क्या है, हम लोग वापस रिटर्न जा रहे हैं। हाँ अब देखिए ये है ना, अगर आप कलंगुट डायरेक्ट आते हैं तो यहाँ पे आप पहुँचेंगे और यहाँ से सीधा एंट्री है, यहाँ से डायरेक्ट आपका एंट्री है, आपकी एंट्री है, आपकी गाड़ियों का एंट्री नहीं है, ये मस्त रोड है, यहाँ पे जाओगे तो ये कलंगुट का रोड है, ये यहीं से आप अगर स्ट्रेट जाते हैं यहाँ पे राइट साइड तो आप पहुँच जाते हैं बाघा, लेकिन ये कलंगुट का है। तो एक और चीज़ आप देखो, अगर यहाँ पे वॉक करके यहाँ से भागा जाओगे ना इस वाले से बाहर आउटसाइड एरिया से, बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ओशियन वाले से जाओगे तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला था कि कार पार्किंग उधर ही करके आके घूम के वापस जा सकते हैं आप, नहीं तो बिना मतलब अजियत हो जाएगी आपकी, मेहनत ज़्यादा पड़ जाएगी। और ये है कुछ मैंने ले लिया ऐसे बंजिंग जंपिंग वगैरह भी है यहाँ पर कराते हैं लोग, मैंने तो नहीं किया अभी तक लेकिन सोच रहा हूँ करने के लिए। ये क्या मस्त नज़ारा है, बस मॉर्निंग है अभी, सिर्फ अपने यहाँ के लोग हैं। और ये देखिए मॉर्निंग यहाँ पे कलंगुट में जा रहा हूँ, धीरे धीरे वॉक करके जा रहा हूँ वो बीच की तरफ, मैं पूरा अंदर नहीं जाऊँगा, वो पहले से दिखा चुका हूँ आपको, बस दिखा रहा हूँ कि यहाँ से एंट्री होती है, दिस इज द एक्चुअल एंट्री। अगर कलंगुट पे आपको जाना है, कलंगुट बीच पे जाना है तो आप देखिए ये पूरा का पूरा मैं साइड दुकान है, टैटू पसंद है तो टैटू ले सकते हो, कुछ कपड़े वपड़े खरीदने हो, कुछ लोग आते हैं तो उनको सुविनियर लेके जाना होता है कि भैया याद रहे, यादों में रहे गोवा, थोड़ा कपड़े वपड़े ले सकते साइड में। तो ये हो गया कलंगुट का, देखो ये स्टेयर कैसे यहीं से उतरोगे तो आप कलंगुट पहुँच जाओगे बीच पे, ये डायरेक्ट वे है। दूसरा है बाघा पे आप जाओ, बाघा से आओ, मैं तो यही बोलूँगा कि बाघा डायरेक्ट जाओ वहाँ से घूमते हुए आओ, बोलूँगा कि बाघा डायरेक्ट जाओ वहाँ से घूमते हुए आओ, फिर वापस आप जा सकते हो रेदर देन डायरेक्ट यहाँ पे आने के लिए, आपको फिर क्या होगा कार पार्किंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा, वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।